अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर। यावर आप ठीक हो? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिनों से आप बोल रहे थे कि जो ये एक फॉर्मूला है एक्सेल में वी लुक का, तो वो हमें बच्चों को दिखाना था, तो क्या है वो फॉर्मूला है उसके बारे में आप क्या बोल रहे हो? सर वो दरअसल उसका जो नाम है वर्टिकल लुकअप है सर। जैसे हमारे पास एक्सेल में कोई डाटा रहता है, हुज डाटा होता है, तब हम कैसे फील्ड्स उसमें सर्च कर सकते हैं, जैसे किसका नाम होता है तो उसके आगे अगर पोस्ट, किसी की पोस्ट, सैलरी वगैरह जो भी, चाहे डाटा स्टूडेंट का डाटा बेस हो, तो कैसे हम फील्ड्स फाइंड कर सकते, सर्च कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये जो ये फॉर्मूला है ये मैंने भी सुना, तो बहुत बच्चे हर एक सिलेबस में ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो आप ये हमें दिखाइए कैसे बच्चे इसका इस्तेमाल करेंगे, सो दैट जो उनका डे टू डे लाइफ है जहाँ पे इनको जरूरत लगेगी, कैसे वो हम इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमें दिखाएंगे? तो यावर साहब आप दिखाइए कैसे ये वी लुक जो है ये काम करता है। यस सर, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सेल में बनाया था ये स्मॉल डाटा। ठीक है सर, तो हम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कह रहे थे आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है एक्सेल में हम वर्टिकल लुकअप का इस्तेमाल कैसे करो। जैसे कि आपको आपके सामने इंटरफेस ऐसा है कि जैसे वी लुकअप है हमारा, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर एक्सेल में कोई डाटा होगा ऐसा जो मतलब कि हुज, मतलब कि जिसमें आप मतलब कि फाइंड का ऑप्शन आपको कहीं पे मिल नहीं रहा, जैसे मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे पास सीरियल नंबर है यहाँ पे डाटा है, तो इसमें जो है ना फील्ड, इसमें जो फील्ड्स मैंने लिए है, सीरियल नंबर लिया है, नेम लिया है, पोस्ट लिया है, सैलरी लिया है, तो कैसे हम सीरियल नंबर देकर फिर हम उसके नेम भी जान सकते हैं, पोस्ट भी, सैलरी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन ये जो वी लुकअप है ये हमें ऐसे ही मतलब कि इसका इस्तेमाल हम ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे मैं आपको आज बताऊंगा कि वी लुकअप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जो हम अगर आपके पास डाटा बड़ा होगा तो तब आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्टली आपको ऐसा कुछ, जैसे आपके पास डाटा रहेगा तो तब आपको यहाँ से नेम, पोस्ट, सैलरी, वहाँ पे जो आपके मतलब कि फॉर एग्जांपल जो आपके फील्ड्स रहेंगे तो तब आपको वही लेने। फिलहाल मैंने लिए नेम यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा इज इक्वल टू वी लुक अप। ठीक है, लुक अप, ठीक है, बैक स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद बताता है यहाँ पर आपको लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या रहेगा, आपको लुकअप वैल्यू आपको लेना है ब्लैंक सेल। ठीक है, तो उसके बाद आपको कॉमा करके टेबल एरे जो रहेगी हमारी वो है हमारा टेबल एरे, सीरियल नंबर से सिलेक्ट करके लास्ट तक जितना आपको डाटा होगा उसको लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको कॉमा करके फिर से आपको यहाँ पर बताता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स का मतलब जो आपका फर्स्ट है वो है नेम यहाँ पे, तो नेम कहाँ पे, यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा हमारे पास ए है, बी है, ए में हमारे पास सीरियल नंबर है और बी में हमारे पास नेम है। जो ए का नंबर आता है वो है A1, तो बी का नंबर आता है 2, तो ऐसे आपको जो हमारा यहाँ पे नेम है तो वो 2 में है, तो हमें यहाँ पे 2 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करना है। तो ऐसे आपको फिर एंटर करके ऐसे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, जैसे जैसे मैं यहाँ पे 1 करता हूँ प्रेस, तो देन एंटर करता हूँ, यहाँ पे हमें नेम आ गया। ऐसे आपको रिपीट करना है इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आपको लुकअप वैल्यू लेना है। लुकअप वैल्यू फिर से यही रहेगा जो आपने ब्लैंक सेल पहले ली थी, इसमें अब नंबर आ गया, आपको इसी को फिर से सिलेक्ट करना है, कॉमा करके फिर टेबल एरे लेनी है, टेबल एरे रहेगी फिर से यही। ठीक है, फिर से कॉमा करके कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होगा, हमने पहले 2 लिया था अब सी हो गया 3, इसके बाद 3 में पोस्ट आता है तो 3 ब्रैकेट क्लोज। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे यावर का पोस्ट, मैंने जो पोस्ट रहेगा उसको मैनेजर है, तो आपके सामने यहाँ पे मैनेजर आ गया। ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है इज इक्वल टू वी लुक लुकअप बैक स्टार्ट, फिर लेना है लुकअप वैल्यू जो हमारे पास यही रहेगा, फिर से वापस रिपीट कर रहा हूँ वही रहेगा जो हमने पहले लिया था, तो कॉमा करके फिर टेबल एरे भी वही रहेगी, सीरियल नंबर से स्टार्ट करके यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होता रह जाएगा, जिस हिसाब के आपके कॉलम्स रहेंगे उसी हिसाब से आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसे कंटिन्यू कर सकते, जितने भी आपको फील्ड्स होंगे। पहले आपको ये पहला स्टेप है, आगे आप देख सकते हो कि इसका फायदा कैसे आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूंगा जो हमारा डी है वो 4 पे आता है, तो 4 सिंपली ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर किया मैंने एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो 1 सीरियल नंबर है, यावर इसका नाम है, मैनेजर इसका पोस्ट है, ठीक है, 20,000 इसकी सैलरी है। जैसे मैं 2, जैसे फॉर एग्जांपल ताहिर हमारे पास 10 पे, ठीक है, ताहिर जो नाम है उसका, जो उसका जो सीरियल नंबर 10 है, मैं यहाँ पे 10 प्रेस करता हूँ, तो तब यहाँ पे जब मैं एंटर करता हूँ तो
ताहिर जो आईपीएस उसकी पोस्ट है 14,000 उसकी सैलरी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे दानिश है, सीरियल नंबर उसकी 5 है, जैसे मैं 5 करता हूँ दानिश का जो सीरियल नंबर है वो 5 है। एमडी उसकी पोस्ट है, 25,000 उसकी सैलरी है। जैसे मैंने 5 प्रेस किया तो देन एंटर करके यहाँ पे आप देख सकते हो एम दानिश नाम है उसका, जो सीरियल नंबर 5 है उसका नाम दानिश है, जो एमडी है वो 25,000 उसकी सैलरी है। अच्छा तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक एंड होता है, उम्मीद होगा कि आपको इस अच्छे से समझ आया होगा। तो देन करते हैं यहाँ पे हमारे जो टॉपिक यहाँ पे एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।